28 तारीख को पिछले महीने मधुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई तो प्रकाश की हत्या कर दी गई थी। मुकाय वारदात पर जाकर देखा गया तो शरीर पर कुछ चोट के निशान, करीब गले पर और आंख पर चोट। और आज एक हफ्ते के बाद जब पीड़ित से पता किया गया तो चार लोग उसके मित्र जो उसके साथ बैठकर जो रात के समय कुछ मद्यपान कर रहे हैं और उसी दौरान उनको किसी बात को लेकर, पैसों के बंटवारे को लेकर कुछ खास नहीं हुई, जिसके कारण आवेश में आकर और नशे के प्रभाव में उनके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें से आज एक अभियुक्त और मृतक के संबंधी जो सामान था, बेल्ट और चप्पल, वो बरामद कर लिया गया। इस अंगूठे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई, वो भी बरामद कर लिया। तो जैसे कि पहले से नहीं बताया गया है कि चरस के पैसों को लेकर विवाद हुआ था, कितने पैसों की मांग ये लोग कर रहे थे मृतक से? उसका भी पता चला है कि उसके पास जेब में कुछ करीब 4000 रुपये के करीब थे जो उन्हें पता चला था, वो उससे मांग रहे थे, जिसको देने में जो है इनकी झगड़ा हुआ और फिर ये इस घटना बन जाती है। कितने लोग अभी बातचीत में जो खराब हुए? कुल 4 लोग जो है इसमें जो है प्रकाश में आए, जिनमें से एक को गिरफ्तार किया गया।